इंटीग्रेटेड का, तो इसमें मैं जर्नल एंट्रीज बोलूंगा, मैं लिखूंगा नहीं, मैं अकाउंट बना रहा हूँ सारे, और आप जर्नल एंट्रीज अपने रजिस्टर में लिखो, मेरी राय ये, और एंट्रीज आप लिख लो, बाद में अकाउंट्स लास्ट में आप देख लेना, मैंने बनाए होंगे, कॉपी कर लेना, कोई दिक्कत, एंट्रीज लिख लो, क्योंकि एंट्रीज से आपको रिवाइज करने में आसानी होगी, सारी एंट्रीज एक्सप्लेन करो। अब इसमें जो प्रमुख अकाउंट बनते हैं, मैंने पहले से ब्लैंक बना दिया, एक बनेगा मटेरियल कंट्रोल, एक बनेगा वेजेस कंट्रोल, एक बनेगा वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल, एक बनेगा फैक्ट्री ओवरहेड कह लो, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कह लो, एक बनेगा फिनिश स्टॉक, एक बनेगा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, एक बनेगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, एक बनेगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, एक बनेगा सेल्स कंट्रोल, और इन सबका पूरक बनेगा जीएलए या सीएलसी, और बीच में एक बना दिया सीपीएंड, और लास्ट में इसका ट्रायल बैलेंस बन जाए, ट्रायल बैलेंस में बचे हुए अकाउंट्स के बैलेंस आ। नॉर्मली अगर आप कोई भी ओवरहेड कैरी फॉरवर्ड नहीं करते थे, सब पीएनएल में डाल देते हो, तो लास्ट में आपका ट्रायल बैलेंस में बचेगा क्या? सोचो, रॉ मटेरियल कंट्रोल, कच्चे माल का स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल, इनकम्प्लीट माल का स्टॉक, फिनिश स्टॉक कंट्रोल, तैयार माल का स्टॉक, तीन ही चीजों का तो स्टॉक बचता है, और एक जनरल लेजर कंट्रोल, बस चार अकाउंट बचे। लेकिन अगर आप कैरी फॉरवर्ड करते हो ओवरहेड को, इसको, तो फिर ओवरहेड का बैलेंस भी आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट, थम्स अप। तो मोटे मोटे ये सब अकाउंट, अब जर्नल एंट्रीज आपने लिखनी बड़े प्यार के साथ, मैं समझाऊंगा। देखो, इवन जो इसने ओपनिंग ट्रायल बैलेंस दिया हुआ, देखो उसमें भी चार ही अकाउंट है, आप किसी के साथ बुक शेयर कर लो ना, आगे आ जाए ना, सोनाली के साथ ये ले, आपने चार अकाउंट का ही बैलेंस दिया हुआ, देखो स्टोर लेजर कंट्रोल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश स्टॉक और जीएल, नहीं नजर आया? पेज नंबर 10.2, तो इनके बैलेंस मैं लिख लूंगा अलग अलग अकाउंट में। इसमें आ गया बाय बैलेंस, ब्रॉड फॉरवर्ड कितना है, 98,000। मैं आपको क्वेश्चन टू करा रहा हूं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन टू ठीक है। अब रॉ मटेरियल कंट्रोल को स्टोर लेजर कहते हैं, उसका बैलेंस क्या है, 35,000। टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 35,000। वर्क इन प्रोग्रेस का बैलेंस क्या, 38,000। टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 38,000। फिनिश स्टॉक का बैलेंस क्या, 25,000। टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 25,000, राइट। बैलेंस की क्या एंट्री होती है, कुछ नहीं। अब आपने एंट्री लिखनी है, ध्यान से सुनना, पहले बोल रहा है रॉ मटेरियल परचेज्ड 95,000, तो लिखिए एंट्री, रॉ मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिटेड टू जीएलए 95,000। बड़ा परचेज किया है रॉ मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जीएलए 95,000। एंट्री क्लियर है भाई? नॉर्मल एंट्री क्या होती है, परचेज टू कैश, परचेज की जगह क्या आएगा, रॉ मटेरियल कंट्रोल, और कैश की जगह क्या आएगा, जीएलए। तो इधर देखो, यहां आ गया टू जीएलए 95,000। अब जीएल अकाउंट में जाऊंगा, बाय आरएमसी लिख दू, रॉ मटेरियल कंट्रोल 95,000, क्लियर। अब रिटर्न टू सप्लायर, ये माल वापस कर दिया, तो उल्टी एंट्री नहीं हो जाएगी, क्या हो जाएगी, जीएलए टू रॉ मटेरियल कंट्रोल, कॉमन सेंस है। तो यहां क्या आ जाएगा, टू रॉ मटेरियल कंट्रोल 3,000, और रॉ मटेरियल कंट्रोल में यहां क्या आ जाएगा, बाय जीएलए
3000, तो एंट्री क्या हो जाएगी, जीएलए डेबिट टू रॉ मटेरियल कंट्री। अब सुनो, इशू टू प्रोडक्शन, कुछ नहीं बोला था, ये डायरेक्ट मटेरियल हो गया, क्या हो गया, तो डायरेक्ट मटेरियल इशू किया, तो एंट्री क्या होगी, वर्क इन प्रोग्रेस टू रॉ मटेरियल कंट्रोलेबल, वेरी नाइस, वर्क इन प्रोग्रेस यहां आ जाएगा टू रॉ मटेरियल कंट्रोल अकाउंट 98,000 बाय वर्क इन प्रोग्रेस 98,000, तो एंट्री हो गई वर्क इन प्रोग्रेस टू रॉ मटेरियल कंट्रोल अकाउंट। वाह भाई वाह, समझ आया। अब अगला उल्टा हो गया, रिटर्न टू स्टोर, रिटर्न टू स्टोर मतलब वापस आ गया, तो उल्टी एंट्री हो जाएगी क्या, रॉ मटेरियल कंट्रोल टू वर्क इन प्रोग्रेस, तो यहां टू वर्क इन प्रोग्रेस आ जाएगा। स्टोर्स बेटा रॉ मटेरियल के लिए यूज करते हैं, और यहां आ जाएगा बाय रॉ मटेरियल कंट्रोल, स्टोर्स जो होता है ना वो कच्चे माल के लिए यूज करते हैं, रिटर्न टू स्टोर मतलब स्टॉक में वापस भेज दिया। कैसा लगे, इजी या मुश्किल, ढंग से बोलोगे इजी लगेगा। अब देखो, अब प्रोडक्टिव वेजेस यानी डायरेक्ट वेजेस पे करिए 40, देखो ना, और इनडायरेक्ट वेजेस पे करिए 25, तो 40 जमा 25 टोटल वेजेस कितनी पे करी, 65,000, क्या एंट्री हो जाएगी, वेजेस कंट्रोल टू जीएल, पहले वेजेस की पेमेंट करो, वेजेस कंट्रोल टू जीएल 40 जमा 25 मिला के 65, वेजेस कंट्रोल में खर्चा दिखा दिया, जीएलए से पेमेंट दिखा दिया, बाय वेजेस कंट्रोल 65। पहले बेटा एक समझ लो, बहुत अच्छा लगेगा, मिक्स मत करो, इंटीग्रेटेड की सेम एंट्री है, बस जीएलए की जगह एक्चुअल अकाउंट आ जाएगा, तो बार बार यहां इंटीग्रेटेड की चर्चा करोगे ना तो थोड़ी देर में क्या तैयार हो जाएगी, खिचड़ी। पहले आराम से आप, ये बहुत डिफिकल्ट चैप्टर माना जाता है, और मेरे सभी बच्चे कहते हैं सर बहुत अच्छा समझ में आ, लेकिन प्रैक्टिस ही आएगा ना, आप कसम खा लोगे भाई साहब मैं तो समझूंगा नहीं सर कितनी कोशिश करें, तो बेटे जीत आप ही की होगी, मेरी नहीं होगी, तो आप ही जीत जाओगे, तो हार जाऊंगा, मेरी जीत तभी होगी जब आप मेरा साथ दो, ध्यान से करो, मजा आ गया था, तो मैंने पेमेंट कर दी, अब मैं इसको चार्ज करूंगा, स्टेप होते हैं ना याद करो, यही तो कराया था पहले, देखो मैंने लिखवाई एंट्रीज देख लो, पेमेंट ऑफ वेजेस से चार्ज, अब चार्ज करोगे, डायरेक्ट वाली कहां चली जाएगी, वर्क इन प्रोग्रेस, इनडायरेक्ट वाली कुछ ना बोला हो तो फैक्ट्री में ले जाएगा, तो एंट्री क्या हो जाएगी, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल डेबिट 40,000, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल डेबिट 15,000 टू जीएलए 65,000, हाँ नहीं टू जीएलए नहीं टू वेजेस कंट्रोल, जीएलए से तो पेमेंट हो चुकी है, अब यहां लिखेंगे बाय वर्क इन प्रोग्रेस बाय फैक्ट्री ओवरहेड 40,25, वर्क इन प्रोग्रेस में आ गया यहां पर डायरेक्ट वेजेस कितना 40, इनडायरेक्ट वेजेस आ गया मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कितना 25, 40,25 है, बीइंग वेजेस चार्ज लिख दो, जो हुआ बीइंग वेजेस चार्ज टू डायरेक्ट वेजेस चार्ज टू वर्क इन प्रोग्रेस एंड इनडायरेक्ट वेजेस चार्ज टू फैक्ट्री ओवर, नरेशन में क्या होता है बीइंग करके जो करते हो लिख दो, बस सिंपल भाषा, मजा आया कि नहीं आया। अब कह रहे फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंसेस इनकर्ड, इनकर्ड है बेटा चार्ज नहीं है, बेटे ऐसे मत करो आप, इनकर मतलब पे हुए हैं, चार्ज नहीं है ये,
तो 50,000 रुपया इनका मतलब पेड है, क्या एंट्री हो जाए, फैक्ट्री ओवरहेड टू जीएलए। देखो कितना संभव, कितना इंटरेस्ट ले रहा है, फैक्ट्री ओवरहेड को मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी कह सकते हो, टू जीएलए वो इंप्लाइड है, जैसे तेरे नाम के आगे मिस्टर है वो इंप्लाइड है, बोलो ना बोलो तू है तो मिस्टर ही, मिस थोड़ी हो जाए। इसी तरह कंट्रोल में ना भी बोलू तो वो इंप्लॉयड, ऐसा होता है। इतना बड़ा क्वेश्चन है, बार बार बड़े बड़े शब्द बोलो बहुत टाइम लगता है। तो फैक्ट्री ओवरहेड टू जीएलए कितना, 50,000। मजा आ रहा है, बस संभव बड़ा इंटरेस्ट से पढ़ना, वेरी गुड बॉय। फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल कितना, 50। अब जरा सबर करना, जल्दी मत करना, क्योंकि जिसने जल्दी करी वही काम खराब हो गया। अब क्या कह रहा है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना है, 40। अब ये क्या हो जाएगा, हाँ हाँ, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड टू जीए, करो ये आ गया टू जीएलए कितना है, 40,000। जीएलए में चले गए, चालीस, ठीक। वो इंप्लाइड होता है कि जब कुछ नहीं बोला तो वो पेमेंट वाले इंकर्ड बेटा, जो हुए चार्ज जो हम चार्ज करेंगे मतलब दिखाएंगे। आप भूल गए, मैंने अभी शीट दिखाई थी आपको कि फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज होते हैं वर्क इन प्रोग्रेस को, चार्ज मतलब जो होने चाहिए, रिपीट, और इंकर्ड मतलब जो हुए, इंकर्ड मतलब एक्चुअल और चार्ज मतलब एब्जॉर्ब। वेजेस वगैरह में ना पे करके चार्ज करना ज्यादा अच्छा लगता है, एक्सपेंस को सीधा ही पेमेंट दिखा। ठीक है, एक्सपेंस को सीधा ही ओवरहेड में दिखा दो बार में। अब अच्छा, यहां ना सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन है। तो कई बार इस तरह का एग्जामिनर मजा लेता है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन की जगह क्या बन जाएगा, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अलग से नहीं है, तो वो कट गया। समझ आ गया, तो सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, समझ आया कि नहीं आया। इसने क्या दोनों को ज्वाइंट कर, जैसा देश वैसा देश। अब सुनना जरा, सेलिंग का चार्ज होते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स, एडमिन का चार्ज होते हैं फिनिश्ड ऑफ, और ये तो कंबाइंड है। अब सेलिंग और एडमिन पहले किसका नाम है, तो ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी होगी, सेलिंग की। तो फिर ये कहां जाना चाहिए, कॉस्ट ऑफ सेल, या तो वो खुद बता देगा कहां जाए, रिपीट, कुछ नहीं बताएगा तो फिर हम इसको कहां ले जाएंगे, कॉस्ट ऑफ सेल, क्यों, क्योंकि सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन है ना, सेलिंग का ज्यादा इंपॉर्टेंस। प्लीज समझा, मान लो प्रधानमंत्री, भारत देश के प्रधानमंत्री और नीचे का हलवाई दोनों साथ जा रहे हैं। अब हमने बताना है अमेरिका में, अमेरिका जा रहे हैं अमेरिका में कि ये लोग आए हैं, तो पहले किसका नाम लेना पसंद कर दिया, प्रधानमंत्री का या पहले एक नॉर्मल सिटीजन का, पहले प्रधानमंत्री का नाम लेना पसंद किया। तो यानी पहले हम उसका नाम लेते हैं जिसकी इंपॉर्टेंस, तो एक मजाक नहीं, सीरियसली बताओ, नहीं तो इंपॉर्टेंस किसकी ज्यादा है, नहीं इधर किसकी ज्यादा है, सेलिंग, और सेलिंग कहां ज्यादा है, कॉस्ट ऑफ सेल। भाई साहब यही छोटे छोटे पॉइंट है जिसके पीछे भाई साहब बच्चे छत से कूद जाते हैं कि समझ नहीं आ रहा टॉपिक, खत्म करो चक्कर समझने का ही। तो आप ध्यान से सुनोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, मेरे लॉजिक सुना करो ध्यान से, हो गया क्लियर। अब कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स ट्रांसफर टू वेयर हाउस,
यानी वो तैयार माल है। अब तैयार माल निकल के कहां से कहां जाता है? वर्क इन प्रोग्रेस से फिनिश्ड। इन्वेंटरी क्या होगी? फिनिश्ड और डेबिट टू वर्क इन प्रोग्रेस। अमाउंट क्या है? तो यहां आ जाएगा टू वर्क इन प्रोग्रेस 213,000 एंट्रियां लिख रहे हो ना आप लोग, और यहां आ जाएगा फिनिश्ड स्टॉक। फिनिश्ड स्टॉक कंट्रोल डेबिट टू वर्क इन प्रोग्रेस, जहां जाएगा डेबिट, जहां से जाएगा क्रेडिट। क्लियर? नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सोल्ड वाले गुड्स कहां से कहां जाते हैं? फिनिश स्टॉक से, बिल्कुल सही। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना माल है? 210,000। एंट्री क्या होगी? कॉस्ट ऑफ सेल्स टू फिनिश स्टॉक, तो यहां आ जाएगा बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स 210,000, और कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या आ जाएगा? टू फिनिश स्टॉक कंट्रोल। कैसा लगा जी? देखने में भयंकर सवाल, करने में कितना आसान। अब आगे की स्टोरी सुनो, देखो अब आ रहा है। देखो कह रहा है फैक्ट्री ओवरहेड जो अप्लाई होंगे, यानी जो चार्ज होंगे, वो 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस है। रिपीट, आ जाओ फैक्ट्री ओवरहेड। अब डायरेक्ट वेजेस देखो कितनी है, वर्क इन प्रोग्रेस में देखो 40,000। 40,000 का 150% क्या होता है? 60,000। फैक्ट्री ओवरहेड कहां चार्ज होते हैं? वर्क इन प्रोग्रेस। एंट्री क्या होगी? वर्क इन प्रोग्रेस टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल 60। कितना मजा आया? अभी तो बताया, 10 दफा बता दिया, ये दफा ये लड़की बताएगी। फैक्ट्री ओवरहेड कहां चार्ज होते हैं? वेरी गुड। एडमिन ओवरहेड कहां चार्ज होते हैं? फिनिश स्टॉक। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहां चार्ज होते हैं? ये क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड। ये कहां जाएंगे? तो वर्क इन प्रोग्रेस डेबिटेड टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल। कैसे लगा बेटा? अब आगे की बात सुनो। कहता है एनी अंडर और ओवर एब्सॉर्ब ओवरहेड्स कैरिड फॉरवर्ड, बता दिया उसने। तो आप क्या करोगे? इसको सस्पेंस अकाउंट में डाल दोगे। याद करो, फैक्ट्री ओवरहेड सस्पेंस अकाउंट, कितना अमाउंट? 15,000। और ये अंडर एब्सॉर्ब, अंडर एब्सॉर्ब क्यों है? एब्सॉर्ब कम हुआ है, खर्चा हुआ 75, एब्सॉर्ब हुआ 60, 60 75 का अंडर होता है, तो अंडर एब्सॉर्ब हो गया। ये एक प्रकार का लॉस है। और ये कहां कहां जा सकता था? कॉस्टिंग पी एंड एल या कैरी फॉरवर्ड। हमने कैरी फॉरवर्ड क्यों किया? उसने बोल दिया। कैसा लगा? अब जो थ्योरी मैंने पढ़ाई थी, एक एक बात सेट नहीं हो रही। फैक्ट्री ओवरहेड सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। चलो ये हो गया। अब ये देखो जरा अगला। कहता ऑल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस आर ट्रीटेड एज पीरियड कॉस्ट। पीरियड कॉस्ट मतलब होता है फिक्स्ड कॉस्ट। क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट। एंड आर चार्ज्ड टू पी एंड एल। टंटा ही खत्म। हा हा हा। सेलिंग कहां जाता है? कॉस्ट ऑफ सेल्स। एडमिन कहां जाता है? फिनिश्ड स्टॉक। पर ये भाई क्या कह रहा है? कह रहा है फिक्स कॉस्ट है, इसको पी एंड एल में लेके जाओ। नहीं, मेरी बात समझे। संतरे का क्या करते हो? खाते, छील के खाते, कितनी अच्छी बात है। पर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो और टेबल पे संतरा पड़ा है। इंटरव्यू कह रहा है इस संतरे को उठाकर उस बल्ब को तोड़ के दिखाओ। तो आप संतरे से क्या करोगे? बल्ब तोड़ोगे या खा जाओगे? बल्ब तोड़ोगे। क्यों? क्योंकि जो इंटरव्यू कहेगा वही करना है, वो चेक कर रहा है हमारा निशान। इसी तरह जो क्वेश्चन में कहेगा आप वही करोगे ना, अपना कानून थोड़ी छांटोगे। नहीं, बात समझ में।
अगर क्वेश्चन साइलेंट होता, रिपीट, तो क्योंकि सेलिंग वर्ड पहले यूज हुआ है तो मैं इसको कहां लेके जाता, कॉस्ट ऑफ सेल। पर क्वेश्चन खुद कह रहा है पी एंड एल ले जाओ, पी एंड एल ले जाओ, पी एंड एल ले जाओ, तो मैं कहां ले जाऊंगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स में या फिर स्टॉक में? कहीं नहीं, मैं पी एंड एल ही लेके जाऊं। अभी बात समझ में नहीं आई, क्लियर? तो पहुंचाइए भैया इसको पी एंड एल, क्या आ जाएगा, बाय पी एंड एल 210,000। यहां पे पी एंड एल को आप क्या बोल सकते हो, कॉस्टिंग पी एंड एल, ठीक? तो ये कॉस्टिंग एंट्री क्या हो जाएगी, कॉस्टिंग पी एंड एल टू सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन हो गए। यहां आ गया सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 210,000। कैसा लगा, आया मजा बेटा? है? अब सेल्स दे रखी है 3,00,000, क्या एंट्री होगी, GLA टू सेल्स कंट्रोल, तो यहां आ जाएगा टू सेल्स कंट्रोल, कितना 3,00,000, और सेल्स कंट्रोल में आ जाएगा बाय GLA 3,00,000। बेटे अब तक मैंने वो एंट्रियां की हैं जो उसने दे रखी, अब मैं रंग चेंज कर रहा हूं कलर पेन का, इसका मतलब अब मैं अपनी तरफ से करूंगा, क्या करूंगा, क्या करूंगा, अपनी तरफ से, तो ब्लू कलर यूज कर, ताकि आपको पता रहे कि ये सर ने खुद निकाला। अब वो क्वेश्चन हर अकाउंट को धीरे धीरे देख के निकाल, चलो आगे। सबसे पहले अकाउंट दिखा, सब में सब कुछ तो है मटेरियल में, ध्यान से देखो, बैलेंस है ओपनिंग, खरीदने वाला है, इशू करने वाला है, परचेज रिटर्न है, इशू रिटर्न है, एक ही चीज तो बचती है बाय बैलेंस, नहीं समझे, वो मैं निकालूंगा, देखो कितना आता है बाय बैलेंस, देखो 35 + 95 + 3 - 3 - 98 - 32,000, सही से बताओ कैसा लगा, राइट? ये वाला अकाउंट तो क्लोज ही हो गया। अब वर्क इन प्रोग्रेस में भी बैलेंस तो निकलेगा ही, कच्चे माल का, समझ आया? तो बैलेंस निकालो कच्चे माल का, 38 + 98 + 40 + 60 - 3 - 2,000, 20,000 बच गया। और ये वाला तो उसने खुद ही बता दिया था कैरी फॉरवर्ड करना, सारे अकाउंट हो गए वाले पूरे, फिनिश स्टॉक में भी तो बैलेंस निकलेगा जो बच गया, तैयार माल 28,000 आ गया। ये वाला तो उसने कॉस्टिंग पीएनएल भेज दिया था, एक मिनट एक मिनट, ये 210,000 मैंने गलती से कॉस्ट ऑफ सेल्स में लिख दिया, कॉस्टिंग पीएनएल वाला, वो तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में लिखना था ना, नहीं समझे, समझे आप, वो तो ये वाला जाना था ना, कॉस्टिंग पीएनएल 40,000 पीरियड कॉस्ट थी ना ये वाली, वो गलती से फिगर दूसरी वाली लिखी, या नाम तो ठीक लिखा हमने, नहीं समझे, एंट्री भी सही की, अमाउंट गलत लिखी है 40, और गलत अकाउंट में डाल दी, आपने ध्यान नहीं दिया, बताया भी नहीं, क्लियर? तो ये वाले का ट्रीटमेंट तो हो गया, किसके वाले का, इसका हरा बेटा सर ने आकृति, वो तो क्लियर कहा है ना उसने, पीरियड कॉस्ट है, इसको कहां लेके जाओ, पी एंड एल। अच्छा कॉस्ट ऑफ सेल्स का बैलेंस कहां जाता है, वो ही लिखवाई थी एंट्री, वो अमाउंट गलती से 210,000 लिख दिया, 40,000। आइए वापिस है, कॉस्ट ऑफ सेल्स कहां जाता है, सेल्स कंट्रोल, क्या एंट्री होगी, सेल्स कंट्रोल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स 210,000। अभी इधर देखो, अब इस अकाउंट को देखो,
आमने सामने कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं आ रही, यानी कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या निकल रही है, 2,10, सेल्स कितनी है 3,00,000, 90,000 का क्या हुआ प्रॉफिट, प्रॉफिट कहाँ जाएगा, कॉस्टिंग एंट्री क्या होगी, सेल्स कंट्रोल टू कॉस्टिंग पी एंड एल 90,000। ये जिस फिगर पे मैं गोला डालता हूं ना वो बैलेंसिंग फिगर है, क्या है बैलेंसिंग। अब 90,000 प्रॉफिट हो गया, इधर देखिए वो यहां आ गया कॉस्टिंग पी एंड एल में बाय सेल्स कंट्रोल, कितना 90, और फाइनल प्रॉफिट हमारा कितना है 50। क्योंकि मैंने कहा था यहां पर कोई अकाउंट खोलते तो है नहीं, इसलिए जो लास्ट में प्रॉफिट आता है ना वो हम जीएल में डाल, कहां डाल देते ताकि कॉस्टिंग पी एंड एल भी खत्म हो, क्योंकि हमें सिर्फ अकाउंट जीएल ही रखना, प्रॉफिट निकला है 50,000 काम खत्म हो गया, जीएल में डाल दो, क्योंकि आप पार्टनरशिप में याद करो प्रॉफिट कैपिटल में नहीं ऐड हो जाता, तो जीएलए तो सभी का काम कर रहा है कैपिटल का भी काम कर रहा है, तो इसलिए प्रॉफिट कहां डाल दो जीएलए, तो एंट्री क्या हो जाएगी कॉस्टिंग पी एंड एल डेबिटेड टू जीएल बहुत 50,000, और ये यहां आ जाएगा कॉस्टिंग पी एंड एल 50,000, राइट जी, क्योंकि हमने यहां पे कोई अकाउंट मेंटेन ही नहीं करना होता ना, सिर्फ नॉमिनल अकाउंट मेंटेन करने होते हैं, साल का फाइनल प्रॉफिट आ गया 50,000, प्रॉफिट किसका होता है ओनर का यानी कैपिटल का, वैसे भी अकाउंट्स में आपने पढ़ा होगा प्रॉफिट रिजर्व्स में जुड़ जाते हैं, और यहाँ रिजर्व अकाउंट तो मेंटेन कर नहीं रहे, तो इसलिए वो कहां चला जाएगा जीएल में, सारे अकाउंट कहां चले जाते हैं जीएल। अब इसका बैलेंस निकाल लो क्या आ रहा है, मेरे हिसाब से। अब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, देखिए इसमें जीएलए का बैलेंस आ गया 95, सबर से देखते जाओ, इसमें से फिनिश स्टॉक कंट्रोल का बैलेंस आ जाएगा कितना, देखो 28,000, बाकी सब तो खत्म हो गए थे, तो फिनिश्ड स्टॉक कंट्रोल कितना 28,000। अब इसमें देखो इसमें तीन अकाउंट आएंगे, एक रॉ मटेरियल कंट्रोल 32, एक वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक 20, और एक ये जो आपने कैरी फॉरवर्ड किया, अगर तो ये भी पी एंड एल में चला जाता तो ट्रायल बैलेंस में नहीं आता, पर उसने कहा कैरी फॉरवर्ड कर, तो तीन आएंगे, कौन कौन से, रॉ मटेरियल कंट्रोल, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल और फैक्ट्री ओवरहेड सस्पेंस, 32, 20 और 15, 32, 20, 15। पहला क्या है, रॉ मटेरियल स्टॉक कंट्रोल, दूसरा क्या है वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक कंट्रोल, और तीसरा क्या है फैक्ट्री ओवरहेड सस्पेंस। देखो दोनों साइड मैच हो गई, बताओ कैसा लगा, दम अदम समझ में नहीं आया, पूरा ऐसा क्वेश्चन आएगा तो 12-16 का, 8 का आएगा तो फिर कोई पार्ट पूछ सकता है आपसे, कह सकता है वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल बना दो और फिनिश स्टॉक कंट्रोल बना, कुछ पार्ट पूछ, बाकी भैया पता कुछ नहीं चलता, ऐसा थोड़ा छोटा ही क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा एंट्री है तो है नहीं, तो हो सकता है 8 में भी दे दे, आनंद आ गया आपको पूरा। क्वेश्चन नंबर 2, नॉन इंटीग्रेटेड का, नॉन इंटीग्रेटेड में क्या खोलते हैं जीएलए, सारी वही एंट्री है जो मैंने आपको लिखवाई थी, जो प्रैक्टिस कराई थी सब उसी पर बेस्ड, क्लियर हो गया पूरा थॉरली, लिख लीजिए।